नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। मैं आज इस कार्यक्रम में आप अपना व्यक्तिगत आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज को, जो श्री आनंदन धाम वृंदावन में रहते हैं। ये जगत गुरु, इन्होंने मुझे कहा, जब मुश्किल की घड़ी थी, मैं कहना चाहता हूं आपको सौरभ शाह जी, नुपुर जी, इन्होंने मुझे दो लाइन भेजे थे और लाइन यही थे अर्णब। उन्होंने कहा, अर्णब जहां शंका वहीं लंका, और जहां विश्वास वहीं वृंदावन। तो आपने बहुत ही समर्थन किया, आपने मुझे ऊर्जा दी, और आपने ये भी कहा कि अर्णब हमेशा पॉजिटिव सोचो। मैं पॉजिटिव ही सोचना चाहता हूं, और मैंने, मुझे ऐसा लगा सदगुरु जी की जो चोर डकैतों की टोली होती है वो कभी एकजुट नहीं रहती, क्योंकि जब चोरी का माल जब बटता है तो झगड़ा जरूर होता है। और अब यही झगड़ा मुंबई में मच गया है, और परमवीर के दोस्तों और वाजे के दोस्तों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़े के कारण सच्चाई निकल के आ रही। इससे सबसे बड़ी सीख क्या है भारत के लोगों की? बीज पड़े और अंकुर न फूटे ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर्म करे और फल ना भोगे ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू बड़ा होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। अर्णब जी, मुझे याद है मैं जिस दिन तलोजा जेल से बाहर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, राष्ट्र का नायक अर्णब गोस्वामी बाहर आ रहे थे, उसके एक दिन पहले वृंदावन यमुना माँ के पद में 1,08,000 दीपक जलाकर पूरी रात्रि हम कई साधु वहां बैठकर अश्रु निपतित कर रहे थे। हे माँ यमुना, अगर राष्ट्रवादी ऐसे व्यक्ति को बाहर न निकाला गया, आपकी कृपा से न आए, तो राष्ट्र सनातन धर्म और भारत की लड़ाई बड़ी कुंद हो जाएगी, मंद पड़ जाएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है, मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। और आज मैं उत्तराखंड के मुक्तेश्वर महादेव मुक्तेश्वर में हूँ, और मुझे अचानक खबर मिली, और मैं बीच रास्ते में आपके साथ बैठा हूँ। तब मैं वृंदावन में था विश्वास में, और आज सनातन धर्म, भारत राष्ट्र और जितने बेईमान प्रकृति के लोग हैं, जो राष्ट्र के विरोधी हैं, जो सनातन परंपरा के विरोधी हैं, ऐसे लोगों से मुक्ति का एक अभियान प्रारंभ हो चुका है। ये तो प्रारंभ है, ये तो राष्ट्रवाद की जीत का प्रारंभ है। मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। जिन लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को, भारतीय जन्म से राष्ट्र, एक मिनट सुन लीजिए, राष्ट्रवादी है तो सुन लीजिए, आप भी राष्ट्रवादी, मैं भी राष्ट्रवादी, सुन लीजिए, अर्णब भी राष्ट्रवादी, फिर हमारे आपके बीच में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्रवादी को आज प्रसन्न होना चाहिए कि जिसने जैसा कर्म किया उसको ऐसा फल मिला है, यद्यपि अभी लंबी लड़ाई बाकी है, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि युद्ध का तुरंत परिणाम आता है। 13 वर्ष तक पांडवों को वनवास रहना पड़ा था, 13 वर्ष के वनवास के बाद भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ, और उसके बाद जाकर युधिष्ठिर का राज्य कायम हुआ था, और ये लड़ाई लंबी चलेगी, मुझे पता है। इतनी जल्दी राष्ट्र विरोधी तत्व हारने वाले नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादियों की संख्या और राष्ट्रवादियों में जागृति जिस प्रकार से आई है दिनों में, और इसमें ये चैनल कितनी बड़ी भूमिका निभाई है, ये तो
दूं, रिपब्लिक भारत की बात कर दूं, भारतीय सरकार की बात कर दूं तो लोग बलान कह देंगे। मैं कहता हूं कि आप जीवन में सत्य न्याय के पक्ष में रहेंगे और आपको कोई सत्य और न्याय का दलाल कहे तो ये आपके लिए प्रेरणा की बात होनी चाहिए और ये आपके लिए सत्य का बात होना चाहिए कि हाँ सत्य का ही दलाल है, न्याय का ही दलाल भी है और हमेशा रहना पसंद करूंगा राष्ट्रवादियों का दलाल। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, भारत वर्ष जीत रहा है, एक नई लड़ाई ले रही है, नौजवान जग रहे हैं, अब सनातन परंपरा और राष्ट्रवादियों को दबा कर नहीं रखा जा सकता। एक वक्त था दबाया गया और अब आज सारे के सारे राष्ट्रवादी लोग एक साथ में जनरल जीडी भक्ति में उपस्थित है। हमारे बड़े बड़े लोग जो राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, और मैं आपको भी तिवारी जी कहता हूँ, आप भी राष्ट्रवादी है, मैं आपको कहा कहता हूँ आप नहीं है, आप विपक्ष में मानते हो अपने आप को, हम कहाँ विपक्ष है, हम सब तो भारतवासी है। लेकिन जरा याद करो, एक व्यक्ति को पाल भर के साधने के मर्डर के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, आप भारतीय के पक्ष में आवाज उठाने के लिए एक राष्ट्रवादी पत्रकार को भेज दिया गया आतंकवादियों की तरफ। वो तो माता श्री की कृपा, हमारी राधा रानी की कृपा, भारतवासियों की जीत है ये, भारत के करोड़ों लोग और भारत की न्यायपालिका की जीत, हमारे अरुणी जी। मैं आज इतना प्रसन्न हूँ और ये प्रसन्नता अधूरी है क्योंकि लड़ाई अभी बाकी है, युद्ध अभी बाकी है अर्णव। और मैं आज भी कहता हूँ, जहाँ संता वही ममता, जहाँ विश्वास वही वृंदावन। और अर्णव जी एक बात और कहा था, विश्वास धैर्य प्रवर्तन त्यागा चतुर्भि सर्वे सत्य निश्चय धैर्य उत्साह और राष्ट्रवादियों का शरीर और दुराचारियों से अलग हथियार और इस कर्म को परिवर्तित करना, विचार के कर्म में परिवर्तित करना,